मराठी अक्षर भारती का क्वेश्चन बैंक आ गया है, मींस इंग्लिश मीडियम का जो मराठी है, मराठी अक्षर भारती, इसका भी क्वेश्चन बैंक रिलीज़ हो गया है। सो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका भी पीडीएफ का लिंक डाल रहा हूँ, वहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ऑलराइट, 66 पेजेस का ये पीडीएफ है, 66 पेजेस का। एक्टिविटीज़ दी है और देखो यहाँ पे थर्ड चैप्टर से स्टार्ट हो रहा है, शॉल से, ठीक है, लेसन सेक्शन का शॉल है, फिर उसमें भी कृति क्रमांक 1, कृति क्रमांक 2, फिर उपास है फोर्थ चैप्टर, दो कृति उसमें भी है, ठीक है, तीन कृति है उपास में। तो चैप्टर वाइज है यहाँ पे पूरा पीडीएफ। फिर नेक्स्ट 7 चैप्टर दिया है डायरेक्ट फुटप्रिंट, एट चैप्टर ऊर्जा शक्ति चा जागर। देखो ये सब का वीडियो का एक्सप्लेनेशन मैं बना के अपने चैनल पे डाल चुका हूँ, ठीक है। नेक्स्ट 11 चैप्टर है जंगल डायरी। तो जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है उनकी कृति यहाँ पर दी हुई है, यहाँ से मतलब इसको सॉल्व करना है, इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन बैंक में दिया है मतलब इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और जहाँ तक मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन बैंक का कुछ भी रिस्क नहीं लेना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है, वो सारी चीज़ें सॉल्व करनी है। मैं खुद भी स्टार्ट करूँगा कल से वीडियो अपलोड करना, कल इंग्लिश का ग्रामर और राइटिंग स्किल का कोशिश करूँगा अपलोड करने का, नहीं तो ग्रामर तो अपलोड करूँगा है इंग्लिश कुमार भारती इंग्लिश मीडियम का, और मराठी ग्रामर का भी कोशिश करूँगा या मराठी के सारी कृतियाँ सॉल्व करके अपलोड करने की कोशिश करूँगा। राइट, सो ये पूरा पीडीएफ है, यहाँ से संतवाणी स्टार्ट हो गई, यानी विभाग 2 पद्य पोएम सेक्शन। राइट, सो पूरा पीडीएफ 66 पेजेस का है और इसमें सारे टॉपिक्स है, ऑक्शन कविता है, सो सारे टॉपिक्स पोएम लेसन्स और रैपिड, फिर गद्य पद्य मतलब सब है, और फिर ग्रामर और कॉम्पोजिशन भी। सो वीडियो को ज़्यादा शेयर करो और पीडीएफ के लिंक में, सॉरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डायरेक्ट पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और वैसे मैं डाउन स्क्रॉल कर रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चे मुझे बता रहे हैं वो डाउनलोड नहीं कर पाते हैं, उनका पीडीएफ उनके मोबाइल में जो भी इश्यू है, तो वो लोग स्क्रीनशॉट लेकर यहाँ से कॉपी डाउन भी कर सकते हैं। सो दिस इज़ फॉर मराठी अक्षर भारती, इंग्लिश मीडियम मराठी अक्षर भारती का। देखो ये विभाग भाषा भाष्य, ठीक है, मतलब व्याकरण वगैरह जो इसमें है, ग्रामर वगैरह, पेज नंबर 40 चल रहा है पीडीएफ का। ऐसे ही स्क्रॉल करते करते मैं पेज नंबर 66 तक डिस्प्ले कर रहा हूँ वीडियो में। और अगर डायरेक्ट चाहिए पीडीएफ ही डायरेक्ट डाउनलोड करना है तो चैनल की वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। और मैंने क्वेश्चन बैंक का एक पूरा प्लेलिस्ट बनाया है जिसमें सारे सब्जेक्ट के, इंग्लिश मीडियम मराठी मीडियम उर्दू मीडियम के वीडियोस डालते जा रहा हूँ, वीडियो के साथ साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट भी डालते जा रहा हूँ, सॉरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक भी डाल रहा हूँ, डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ से कॉम्पोजिशन सेक्शन भी देख सकते हैं, पत्र लेखन है, जाहिरात है, जो भी टॉपिक्स है तो उसका भी इम्पोर्टेंस यानी क्वेश्चन बैंक दिया है। सूचना में लिखा है सिर्फ इसके भरोसे पे ना रहे, इसके बाहर भी प्रिपरेशन करे, बट जो हिसाब से दिया है वो लग तो रहा है कि सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ही दिए, तो रीड करने पर ये महसूस हो रहा है कि इसमें तो सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का ही बैंक है। और एक एक टॉपिक पे चार चार छः छः टॉपिक, मतलब एक एक प्रश्न पे चार चार छः छः टॉपिक, आठ आठ टॉपिक्स है। देखो जैसे इधर कथा लेखन पे 4 दिया है, ठीक है, तो उस हिसाब से तो ये पूरा प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, इसी में से उम्मीद कर सकते हैं कि इसी में से आएगा। निबंध लेखन भी है, पॉइंट्स दिए हैं उस पर निबंध लिखना है, या इमेज देंगे उस पर निबंध लिखना है। ऑलराइट, सो पेज नंबर, प्रसंग लेखन आया नेक्स्ट टॉपिक, पेज नंबर 64,
ये पेज नंबर 65 प्रसंग लेखन चल रहा है और ये लास्ट पेज नंबर 66। सो अच्छा खासा क्वेश्चन बैंक रिलीज़ हुआ है 66 पेजेस का, जिसमें अच्छा खासा स्कोरिंग कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ये प्रैक्टिस करना तो मस्ट है। ठीक है, मस्ट मतलब करना ही चाहिए। अगर देखो वीडियो अच्छा लग रहा हो तो शेयर करो सारे फ्रेंड्स के साथ, और लाइक सब्सक्राइब एक्सेट्रा एक्सेट्रा करो। थैंक यू।